इस क्वेश्चन में दो पार्ट है. फर्स्ट पार्ट है एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रेवलिंग इन ए मीडियम विद ए वेलोसिटी वेक्टर v इक्वल टू vi कैप. दैट मींस जो वेलोसिटी है वो x एक्सिस के अलोंग है. तो जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वो किधर है? x एक्सिस के अलोंग. ड्रॉ ए स्केच शोइंग द प्रोपेगेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है शो करके, जो भी आप डायग्राम बनाओगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का. तो फर्स्ट पार्ट ये है. अब हमें एक चीज पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, ये ट्रांसवर्स होती है नेचर में, और इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी तीनों वेक्टर एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं. और उसमें भी ऐड कर देते एक चीज, जो वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होती है, वो E क्रॉस B के अलोंग होती है. मतलब E और B का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन. जैसे अगर आप ये ले रहे हैं, सपोज E इधर है, B इधर, सपोज तो E क्रॉस B की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज का मतलब आउटसाइड. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो आउटसाइड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन ये, मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन. अगर E इधर है ऐसे और B ये है, तो E क्रॉस B क्लॉकवाइज मतलब इनसाइड डायरेक्शन, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी इनसाइड. तो जो वेलोसिटी होती है वो E क्रॉस B के अलोंग, तो वेलोसिटी इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ E क्रॉस. अब वेलोसिटी तो एक्स एक्सिस के अलोंग है और तीनों परपेंडिकुलर है, तो ई और बी वाई या जेड एक्सिस के अलोंग होंगे. ई वाई एक्सिस के अलोंग, बी जेड एक्सिस, या ई जेड एक्सिस, बी वाई एक्सिस, इस तरह से हम ले सकते हैं. तो वही कंसीडर करना है इसको यूज करके. ये एक्स एक्सिस इधर है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन वी, वेलोसिटी इधर जेड एक्सिस है और ये वाई. चेक कर लेते, देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाई एक्सिस के अलोंग हम कंसीडर कर ले, तो मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के अलोंग और वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये हमें कंसीडर करना है. अब वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? ई क्रॉस बी. ई हमने ये कंसीडर किया और बी ये आपकी तरफ, तो ई क्रॉस बी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये वाली, और वही डायरेक्शन है बी. अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इसको कंसीडर करता, मैग्नेटिक फील्ड इसको, तो E से B की तरफ को स्क्रू रोटेट करते तो एंटी क्लॉकवाइज, तो मेरी तरफ को हो जाती है, ये तो अपोजिट हो जाएगी वेलोसिटी से. तो हमें लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग और मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के अलोंग. तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग है और मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के अलोंग, यही इंडिकेट करना है. अब वेव के फॉर्म, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वेव, दो तीन दिखा दो बस, एक साइकिल बेसिस, कम से कम एक साइकिल दिखा देंगे बाकी आप जितना मन करे. ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर जिसकी वैल्यू टाइम और पोजीशन दोनों के साथ वैरी होती है. ये तो है इलेक्ट्रिक फील्ड. अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इसके परपेंडिकुलर जेड एक्सिस, मतलब इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, ठीक है. तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इसका वेक्टर ये जेड एक्सिस कर लो ऑसिलेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड. यही डायग्राम ड्रॉ करना है वन मार्क. आप चाहिए लिखे या ना लिखे, ये डायग्राम बनाना. ये बन गई डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये मैग्नेटिक फील्ड की ऑसिलेटिंग की डायरेक्शन, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायग्राम जो हमें बनाना है.
सेकंड पार्ट में क्या कहा इसने, हाउ आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स रिलेटेड टू द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेलोसिटी से रिलेट करते हैं, इसका तो सीधा फॉर्मूला याद क्या होगा कि जो वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के मैग्नीट्यूड के रेशियो के बराबर। इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड गिव्स द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वी इक्वल टू ई अपॉन वी। हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट।